दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल होम्योपैथी क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। आखिर फंगल इन्फेक्शन बार बार बॉडी में क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियोस जो जो नए वीडियोस आएंगे उनकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंगल इन्फेक्शन। आखिर बार बार क्यों होता है फंगल इन्फेक्शन, स्पेशली गर्मियों में या गर्मियों के बाद जब बारिश आती है उस मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है और पेशेंट्स आते हैं, रेगुलर पेशेंट्स होते हैं इवन। तो सबसे पहले बात करते हैं पुअर हाइजीन की। अगर हम अपनी बॉडी का हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, हमारी बॉडी में स्वेट बना रहता है, पसीना बना रहता है, या हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, ऑयल रिलीज होता रहता है, तो फंगस को अपने रहने का बहुत ही अच्छा वातावरण मिल जाता है। वहाँ पर फंगस को बहुत ही अच्छा वातावरण मिल जाता है, तो वहाँ पे फंगस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है और बार बार होता भी रहता है। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हम बहुत ही ज़्यादा गर्म और ह्यूमिडिटी वाले मौसम में रह रहे हैं, स्पेशली लाइक जैसे कि ठंड गर्मियों के बाद जो बारिश आती है, या गर्मियों में भी आपने बहुत कॉमन सुना होगा, और स्पेशली हमारी बॉडी के कुछ एरियाज लाइक कोल्ड एरियाज लाइक अंडर आर्म्स हो गया, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हो गया, या ऐसी जगह ऐसी बॉडी पार्ट जो अक्सर कपड़ों के अंदर कवर रहता है, तो इस जगह पे ज़्यादा दिक्कतें होती, थाइस के बीच में प्राइवेट पार्ट्स हो गए, इस जगह पे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे नमी बनी रहती है और फंगस को ग्रो करने का बहुत ही अच्छा मौका और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो इस तरीके के इन्वायरमेंट से बचें। तीसरी चीज़, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लाइक हमें कोई दिक्कत हो रही है तो हम अपने पास की केमिस्ट के पास गए, हमने वहाँ पे उसे बताया और उसने हमें एक ट्यूब दे दिया, कुछ मेडिसिन दे दी, हमने उसे खा लिया, हमें इंस्टेंट रिलीफ हो गया, बट उस टाइम पे क्या होता है, आपको तुरंत में तो आराम मिल जाता है बट वो सारी चीज़ें दोबारा हो सकती हैं आपके साथ। तो इस तरीके के बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, गलत दवाइयों के इस्तेमाल से बचने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं अपनी समस्या। इन एडिक्वेट ट्रीटमेंट मीन्स, आपको अगर डॉक्टर ने कुछ समय के बाद बुलाया है, कुछ दिनों के बाद बुलाया है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अगर आप लाइक आपको 15 दिन के बाद बुलाया है डॉक्टर ने, तो उसकी अगर कुछ वजह होती है, आप अक्सर ये सोचते हैं कि 15 दिन में सही तो हो चुका है और बिल्कुल ही सही हो गया, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना, दोबारा से दवाइयाँ क्यों खाना, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो मत करिए। आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट करिए, आपको उससे बेटर ट्रीटमेंट देंगे वो, क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि उसके रिकरेंस होने की बार बार उसे चांसेस हो, तो डॉक्टर आपके उस चीज़ को भी रोक सकते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें कि अगर डॉक्टर ने बुलाया है तो उनके पास जरूर जाएं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारीपूर्ण रहा होगा। नमस्कार, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।